सोशल मीडिया की ताकत एक बार फिर सामने दिखाई दी जब दिल्ली की एक लड़की और उसकी मां ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों के खिलाफ अपनी कंप्लेंट की एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मेरे फादर को 16th की रात को 2 बजे वो 2 मिनट के लिए बेहोश हो गए, तो हम लोग उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए शालीमार बाग। वहाँ पर डॉक्टर्स को थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट करा एंड ही टेस्टेड पॉजिटिव। उसके बाद हमसे बिना पूछे हमारी कोई राय नहीं ली गई, उन्होंने कहा कि सरकार के ऑर्डर है, उन्होंने उनको लोकनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। 18 तारीख को शाम को करीब 8-9 बजे 2-3 घंटे के बाद वेट करने के बाद एम्बुलेंस में उन्हें एडमिशन दिया गया। सुबह उनका फोन आया कि मेरे को 102 बुखार है, मुझे लेके जाओ प्लीज, हमारी मदद करें। बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि कोई ट्रीटमेंट हुआ उनका, आगे प्रोसेसिंग हुई नहीं हुई, तो मैं सबको यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये वीडियो शूट करा है कि पूरा स्टेटस अपडेट हो गया है और उनको एक अलग सेपरेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हैं और हमारी बात हुई थी, उनका कोविड का सैंपल ले लिया गया है दोबारा, उनका ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया है जो भी टेस्ट डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करे हैं, और जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देने वाले हैं उनका भी फोन पे बात हो गई है उनसे। उन्होंने यही कहा है कि अब आप अश्योर्ड रहें, अब हमारे डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर हम इनको रखेंगे, कॉन्स्टेंटली हम इनको चेक करेंगे। दिल्ली सरकार से हर जगह से मदद पहुंची है और मैं यही क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूं कि आप किसी भी फेक न्यूज पर बिलीव ना करें, और हमारे जो फैमिली मेंबर्स के टेस्ट हैं वो कल तक पॉजिटिवली हो जाएंगे, सारी डिटेल्स ले ली गई हैं गवर्नमेंट द्वारा और सब कुछ अब अच्छे से हो रहा है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई और दिल्ली सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत इस पर एक्शन लिया और लड़की के पिता को तुरंत अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने की गारंटी दी। और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने तमाम अस्पतालों को ये कहा है कि वो अपना एक मीडिया सेल बनाए जिसमें ऑनलाइन आने वाली हर कंप्लेंट को देखा जाए और उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लोक मीडिया।